नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नविक्रम सिंह और मेरे साथ हैं सागर से नव निर्वाचित सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े जी। स्वागत है आपका संसद टीवी पर और बहुत बहुत बधाई चुने जाने पर। सबसे पहले तो चूंकि सागर बुंदेलखंड में है और बुंदेलखंड से आप सांसद हैं, मैं समझना चाहूँगा कि किस तरीके की समस्याएँ आपके क्षेत्र की, समूचे बुंदेलखंड की, जो आपके दिमाग में हैं, जो आप सदन में उठाएंगी, साथ ही क्या रोडमैप रहेगा अपने संसदीय क्षेत्र के लिए। देखिए, सागर बुंदेलखंड में आता है और चूंकि बुंदेलखंड की 2014 से पहले बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, सभी लोग बुंदेलखंड को पिछड़ा बुंदेलखंड कहते थे, लेकिन 2014 में जब से हमारी केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से बुंदेलखंड अब विकसित राज्य, मतलब विकसित बुंदेलखंड कहलाने लगा है। इतने ज़्यादा काम हुए हैं, हमें लगता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम कहीं हुए हैं तो सागर संभाग में हुए हैं। कई ब्रिज बने हुए हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं हमारे यहाँ, और ऐसी बहुत सी बुनियादी आवश्यकताएं जो लोगों को महसूस होती थी वो उनके अभी काम चल रहे हैं। नहरें बनी हैं बहुत सारी, तो अब हमारा बुंदेलखंड काफ़ी हद तक विकसित बुंदेलखंड बन गया है। और सागर की यदि हम बात करें तो सागर में अभी बहुत सारी सुविधाएं आ चुकी हैं, लेकिन वहाँ हमारी जो विधानसभा के अंतर्गत, हमारी लोकसभा के अंतर्गत तीन ऐसी विधानसभाएं हैं जो विदिशा ज़िले की विधानसभाएं हैं, सिरोन, शमशाबाद और कुरवाई, जहाँ ट्रेन रूट आज भी नहीं है। अच्छा, तो वहाँ के लोगों की जब हम अभी कैंपेन में गए तो सबके एक ही मांग आती थी कि इस क्षेत्र में मैडम आप ट्रेन शुरू करिए और सागर में बहुत सारी ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़वाइए, ये मांग आती थी। तो हमने सबसे ज़्यादा बुनियादी ढांचा अपने बनाया है अपने क्षेत्र में विकास का, तो उसमें हमारा सबसे पहला लक्ष्य रहेगा उन तीन विधानसभाओं में ट्रेन रूट। और हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बीना जंक्शन है हमारे लोकसभा में, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों का स्टॉपेज हो, सागर में स्टॉपेज हो, ये हमारा है। और हमारे अभी कई क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं, कई ऐसे कस्बे हैं जहां अभी तक नहर नहीं पहुंची है, पानी की वहां थोड़ी समस्या है। चूंकि नल जल योजना के तहत हर जगह काम चल रहा है मध्य प्रदेश में, जो नल से जल पहुंचाने की योजना है, जो टूटी वाले नल, उसका अभी काम चल रहा है, काम गति पर है अभी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कब होगा। तो वो जहाँ नहीं है, जिस क्षेत्र में अभी नल जल योजना तो सब जगह जा रही है, लेकिन नहरों की जो समस्या है वो दूसरा हमारा सबसे अहम बिंदु है। और तीसरा सबसे अहम बिंदु बुंदेलखंड में और हमारे लोकसभा में तो वो है रोजगार को लेके, लोगों में बहुत मांग उठी है। चूंकि वहाँ अभी भी बीड़ी उद्योग चलता है, लोग बीड़ी, महिलाएं घर में बीड़ी बनाती हैं, थोड़ा सा उसके कारण ऐसा लगता है जैसे कि कुंठित वो अपने आप को महसूस करती हैं। तो अभी माननीय हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री युग जननायक, भारत के भाग्य विधाता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अभी घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाएंगे, तो उस दिशा में हमारा ठोस हमारी पहल रहेगी कि हम अपने लोकसभा से ज़्यादा महिलाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा दीदियों को लखपति दीदी बना सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो इतनी सारी योजनाएं चलती हैं, जो इतने सारे काम चलते हैं, तो उसके तहत हम रोजगार सृजित करने का काम करके अपने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और जो अधोसंरचना के काम है छूटे हुए, उनको और ज़्यादा गति से आगे बढ़ाने का काम हमें करना है, ये हमारा लक्ष्य जी। एक बार अपने जिस जनता ने आपको, सागर की जनता ने चुना है, उसे क्या संदेश देना चाहेंगी, धन्यवाद क्या करना चाहेंगी? जनता का फैसला शिरोधार्य है, जनता ने मुझे 4,71,222 वोटों से विजयी बनाया है। सागर की सबसे बड़ी जीत है, ऐतिहासिक। सागर में आज तक कोई इतने मतों से नहीं जीता है जितने मतों से हमें सागर की जनता ने अपने सिर आँखों पर बिठाया है। हम उन्हें यही संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके सांसद नहीं, आपके प्रधान सेवक बन के काम करेंगे। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को देश का प्रधान सेवक कहते हैं, उसी तरह हम सागर लोकसभा के सेवक बनकर अपनी जनता की सेवा में हमेशा समर्पित रहेंगे। तो आप देख सकते हैं लता वानखेड़े जी का कहना है कि जिस जनता ने उन्हें चुना है उनकी उम्मीदों पर पूरा तौर से खरा उतरने की कोशिश करेंगी।